दूध से कलाकंद बनेगा इतना टेस्टी कि आपको इसके सामने कोई मिठाई पसंद नहीं आने वाली है। ये देखिए आप कितना दानेदार, सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद हम घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। कलाकंद बनाने के लिए सबसे पहले दूध को बॉईल करना है। तो ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको बॉईल हो जाने देंगे पहले। दूध बॉईल होने लगा है तो गैस को अभी ऑफ कर देंगे और दूध को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दूध को फाड़ने के लिए ये मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है नींबू का रस, आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, नॉर्मल पानी है, मिक्स करेंगे इसे। थोड़ा थोड़ा करके ये नींबू का रस दूध में ऐड करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा जल्दी जल्दी ना मिक्स करें, बहुत ही धीरे धीरे इसको मिक्स करें नींबू का रस ऐड करने के बाद। और नींबू का रस थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इसी तरह मिक्स करते जाएंगे जब तक कि दूध जो है वो फटने नहीं लगता। जैसे ही आपको लगे कि जो दूध है वो फटने लगा है तभी आप इसमें नींबू का रस ऐड करना बंद कर देंगे और बहुत ही धीरे धीरे इसको मिक्स करते रहेंगे इस तरह से, जब तक कि जो छेना और पानी है वो अच्छे से अलग ना हो जाए। दूध से छेना और पानी बिल्कुल अच्छे से अलग अलग हो गए हैं तो अभी इसे छान लेंगे। छानने के लिए ये मैंने एक बड़े बर्तन के ऊपर एक स्ट्रेनर रखा है और इसके ऊपर कोई भी कॉटन का साफ कपड़ा डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे फटा हुआ दूध। छेना को धो लेंगे नॉर्मल पानी से, जिससे कि जो नींबू का खट्टापन होगा वो निकल जाएगा इसमें से। और कपड़े को उठाकर इसे थोड़ा सा निचोड़ देंगे जिससे कि इसमें से एक्सेस वाटर निकल जाए। हमें इसे कहीं हैंग करके नहीं रखना है, बस छेना अभी हमारा तैयार है कलाकंद बनाने के लिए। अगर आप इसको रख देते हैं हैंग करके तो जो कलाकंद है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसे कपड़े में से निकाल देंगे तुरंत और हाथ से थोड़ा सा इस तरह मसल देंगे, क्रम्बल कर देंगे इसको। अब बनाएंगे कलाकंद के लिए रबड़ी। तो ये मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऐड करने से कलाकंद जल्दी बन जाएगा और टेस्टी भी बहुत बनता है। दूध जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, गैस को अभी मैंने ऑन नहीं किया है। पहले मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स नहीं है। तो गैस को अभी ऑन कर देंगे और इसे इसी तरह मिक्स करते रहेंगे जब तक कि जो दूध है वो बॉयल नहीं होने लगता। अगर आप बिना मिल्क पाउडर के बनाना चाहते हैं तो आप 1/2 लीटर की जगह पर 1 लीटर दूध से रबड़ी बनाएंगे। दूध के बॉयल होने के बाद गैस को कर देंगे लो मीडियम और इसे पकने देंगे जब तक कि जो दूध है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। और बीच बीच में आप इसे मिक्स भी करते रहें जिससे कि दूध तली में और किनारों पर लगे नहीं। लगभग 10 मिनट के बाद दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये मैं 1/2 कप चीनी डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा बना सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे जब तक कि जो चीनी है वो अच्छे से घुल न जाए। चीनी के घुलने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची क्रश की हुई और 2 से 3 छोटे चम्मच घी। 2 से 3 छोटे चम्मच डालेंगे इसमें घी, मिक्स कर लेंगे। छेना डाल देंगे इसमें अभी और मिक्स करेंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर और मैश करते रहेंगे इस तरह से। अब ये जो मिक्सचर है वो पैन में चिपकना बंद हो गया है, इतना ही गाढ़ा हमें इसे रखना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। आप इसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर लें और हाथ से इस तरह चेक करें। जो मिक्सचर है वो बाइंड हो जाना चाहिए, इसकी एक बॉल सी आप बनाकर देखें तो अच्छे से बाइंड हो रहा है ये। इसका मतलब जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा इसको ना पकाएं। अगर ज़्यादा पकाते हैं तो कलाकंद सॉफ्ट नहीं बनेगा। गैस को अभी इस टाइम ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर इसे मिक्स करेंगे।
कलाकंद को आप किसी प्लेट में या फिर इस तरह के बॉक्स में जमा लें। इसमें मैंने घी लगा लिया है अच्छे से, जिससे कि कलाकंद निकल आएगा। इसमें डाल देंगे कलाकंद का मिक्सचर। कलाकंद की बर्फी आपको जितनी मोटी चाहिए उतना मिक्सचर आप टिफिन में डाल दें और अच्छे से स्प्रेड कर दें उसको। गार्निश कर देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट से। मैंने कुछ कटे हुए पिस्ते ले लिए हैं। अब इसे अच्छे से जमने के लिए छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए। कलाकंद के सेट होने के बाद आप इसे अपने अकॉर्डिंग पीसेज में कट करके सर्व करें। ये मैंने थोड़ा सा जल्दी कट कर दिया है, इसको अच्छे से सेट नहीं होने दिया है। 4 से 5 घंटे आप इसको अच्छे से सेट होने दें, उसके बाद कट करेंगे तो अच्छे पीसेज आएंगे कट के। बहुत ही दानेदार सॉफ्ट कलाकंद बना है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही कलाकंद बनने वाला है। और टेस्ट तो इसका इतना अच्छा है जैसा आप मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही या फिर उससे अच्छा टेस्ट है इसका। आप बनाकर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा बना कलाकंद और कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।